आप देख रहे हैं अरुणाचल वेस्ट न्यूज़। दोस्तों, अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ आज आए हैं यहाँ कोदुम सर्कल में। जी हाँ, मैं अब इस वक्त खड़ा हूँ कोदुम हू ब्रिज, स्टील ब्रिज में। हमें खबर मिला है यहाँ से, यहाँ के लोकल पब्लिक से खबर मिला है, हमारे यहाँ ये जो है ब्रिज, स्टील ब्रिज का जो है मरम्मत जो है, मेंटेनेंस जो है आरंभ हो रहे हैं। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है जो हम खबर मिला है, अब मैं सच के पता लगाने आया हूँ। हमें इसे खबर मिला है कि काम अभी शुरू ही हो रहा है, लेकिन यहाँ का फाइनल बिल जो है कॉन्ट्रैक्टर को ऑलरेडी डिपार्टमेंट की ओर से पेमेंट हो चुका है। जी हाँ, अगर ये सच है तो ये बिल्कुल गलत है जहाँ तक हम जानते हैं। अगर काम अभी आरंभ हो रहे हैं, काम हम भी देख रहे हैं, यहाँ मेंटेनेंस जो है 5-6 लेबर है और यहाँ मेंटेनेंस का काम जो है चल रहा है। लेकिन हमें खबर मिला है यहाँ के लोकल पब्लिक से कि काम शुरू हो ही रहा है, लेकिन जो है पेमेंट जो है ऑलरेडी हो चुका है। तो आज हमारे बीच हम यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर, यहाँ जो इस ब्रिज, स्टील ब्रिज का मेंटेनेंस कर रहे हैं, उससे भी मैं जानने का कोशिश करेगा। और हम हमारे यहाँ के लोकल पब्लिक लीडर ZPM केनली न्योराक साहब से भी जानने की कोशिश करेगा। आप न्यूज़ में बने रहिएगा और देखते रहिए अरुणाचल वेस्ट न्यूज़। मेरा नाम कार्केन्यदु है। आप सर डिपार्टमेंट में क्या, कौन सा पोस्ट में है? डिपार्टमेंट में मेट है, PWD का। हाँ, PWD। तो इस ब्रिज मेंटेनेंस का जो है आप देखभाल कर रहे हैं? काल से हम देखभाल कर रहे हैं। अच्छा सर, हमको ऐसे खबर मिला है, कहाँ तक सच है हमको पता नहीं है, हम पता लगाने का कोशिश कर रहा है। हमको ऐसे खबर मिला है यहाँ के स्थानीय लोगों से, यहाँ का लोकल आई लोकल आदमी ऐसे कंप्लेन कर रहा है कि काम तो अभी तक हुआ नहीं है, मेंटेनेंस हुआ नहीं है अभी तक, हो रहा है तो शुरू ही हो रहा है, लेकिन यहाँ का बिल जो है आपका डिपार्टमेंट जो है PWD डिपार्टमेंट जो है कॉन्ट्रेक्टर को दे चुका है। तो इसमें तो हम एक्शन और यही से भी हम जानने का कोशिश करेगा, कहाँ तक सच है, और ये आप अगर जानता है तो बता दीजिएगा। अगर आप उस पेमेंट का बारे मालूम नहीं है तो आप ये बताइएगा, आप यहाँ का इंचार्ज हिसाब से ये काम कब से शुरू हो रहा है और ये खत्म हो गया ना शुरू हो रहा है? ये सब हमको पता नहीं है, हम तो सिर्फ काम काल से जो है, काल से ये ब्रिज मेंटेनेंस करना है बोल कर हम इधर साथ में उन लोग को देख रहा है जी। ये कॉन्ट्रेक्टर और मिस्त्री लोग को, क्योंकि यहाँ से बोर्ड तो वहाँ में हम लोग बोर्ड लगा कर रखा है, तो भी गाड़ी ज़बरदस्त जाता है, अभी भी डिस्टर्ब किया है, अभी मौत को लो हम लोग जाना है बोला। ये सब मामला आदमी इन लोग को ये डिस्टर्ब करेगा सर, आपका हिसाब से, और हम भी देख रहे हैं मेंटेनेंस तो खत्म नहीं हुआ है ना? खत्म नहीं हुआ, अभी शुरू है, काल से शुरू है। आज 2 दिन चल रहे हैं? हाँ जी, आज 2 दिन चल रहा है। ओके, काम तो मतलब आज और कल 2 दिन ही हो रहे हैं? हाँ, 2 दिन हो रहा है। कितना दिन लगेगा सर? इसको बारिश का वजह से क्या होगा, बारिश होने से वो हम लोग का बोलने के हिसाब से, काल हमारा जैसा आया था, बारिश होने से भी काम नहीं रुकना है। ऊपर में टारपोलिंग लगा करके बारिश हो धूप हो काम करना है। तो सर यहाँ में ट्रैफिक एडवाइजरी बंद रहेगा क्या जब खुलेगा? हाँ, बंद रहेगा। और उसको ठीक है, आपका बात सही है, 2 दिन से यहाँ मेंटेनेंस चल रहा है जी। तो लेकिन पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, आपको कुछ नॉलेज है? पेमेंट का बारे में हमको कुछ अता पता नहीं है जी, वो मालूम नहीं है। okay. वो सब मामला में हम लोग तो चौथा मोटा लेबर है जी जी, यहाँ का शहीद इंचार्ज है, वो सब मालूम नहीं है, हम सिर्फ काम करना। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। भैया जी, आपका नाम क्या है? मेरा टेक छेत्री है। थोड़ा जोर से बोलिए। टेक छेत्री है। टेक छेत्री जी। आप यहाँ का हेड मिस्त्री है ना जी? ओके, आप लोग का ये काम जो है कब से चल रहा है? अभी निकला था, हम लोग 19 को आया था, 19 तारीख को। कौन सा, ये जून का जी? जी, कल परसों। आज 22 है ना, 23 है ना? 23 है, मतलब 3 दिन हो गया। 3 दिन हो गया जी। तो आकर कल से हम लोग काम स्टार्ट किया। ओ, कल और आज कर रहे हैं, मतलब आज 2 दिन हो रहे हैं ना भैया? 2 दिन। ओके, तो भैया आप लोग का ये कॉन्ट्रेक्टर कौन है, ये काम को कौन कर रहा है? अभी कॉन्ट्रेक्टर तो अभी कौन है मालूम नहीं, लेकिन मिस्त्री तो हम लोग का जो है, हम लोग गैरेज में रहता है। तो जो आप कॉन्ट्रेक्टर मालूम नहीं? नहीं नहीं नहीं, हम लोग माने मिस्त्री जो गैरेज में जो गैरेज मालिक जो है मुंटू है, वही हम लोग को भेजा है। मुंटू कौन सा गैरेज?
मंटू गिरेश जी बोलता है उसको सेम कॉलोनी में सीएम कॉलोनी मंटू गिरेश ना जी। अच्छा मंटू आपको भेजा है जी। ओके यहाँ में इसको वेल्डिंग सेल्डिंग खोलने के लिए ना खोलने के लिए यहाँ तो हम देख रहा है अभी तक तो एक भी इसको क्या बोलते हैं जहाँ में गाड़ी चलता है इसको प्लेन सीट ना जहाँ में प्लेन सीट बिछाया है ना ये तो एक भी अभी तक पूरा नहीं खोला है ना नहीं खोला है अभी खोल रहा है आज से खोलेगा। आपको मंटू आपको क्या इंस्ट्रक्शन दिया मतलब क्या समझाया है क्या काम करना है बस जो इसमें जो खराबी है उसको निकाल कर फेंकना है नया को ढालना है मतलब क्या को सीट को चैनल को जो नीचे जो नीचे में जो लोहा भरा वाला जा रहा है ना जी तो उसको तो चेंज करने के लिए ये सीट को पूरा निकालना पड़ेगा पूरा निकालना पड़ेगा ना तो अभी तक तो एक भी नहीं निकला है नहीं निकले अभी आज से शुरू कर रहा है निकालेगा अभी कितना दिन लगेगा भैया ये तो अभी बारिश नहीं होने से तो डेढ़ महीने करीब हो जाना चाहिए डेढ़ महीना जी एक महीना आ रहा जी ठीक है। मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ को फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मीडिया के तौर से मेरा नाम है न्यूमपरी मैं प्रेसिडेंट ऑफ उबुवांगो स्टूडेंट यूनियन तो सर हम यहाँ अरुणाचल वेस्ट टीम यहाँ आपके बांगो में आया है तो हमको खबर मिला है इस वक्त हम लोग जहाँ करा है जो स्टील ब्रिज हु स्टील ब्रिज का जो है मेंटेनेंस का फंड जो है गवर्नमेंट दिया गया है तो हमको ऐसे खबर मिला है कहाँ तक सच है वो मालूम नहीं है लेकिन मेंटेनेंस शुरू होने से पहले ही जो है बिल को कॉन्ट्रेक्टर को पेमेंट हो चुका है ऐसे खबर मिला है तो इसमें आपको क्या पता है और आपका क्या कहना है थैंक यू तो मेरा कहना है कि जो आज हम यहाँ में हु ब्रिज स्टील नाम पहुँच चुका है तो देखा गया है तो सुनने में ये बिल भी कंप्लीट हो चुका है और पेमेंट भी हो गया बोलने का सुना है मैंने इसलिए मैं आज इसी ग्राउंड पे आया है तो आके देखा है तो बिल कंप्लीट होने का बाद काम कंप्लीट नहीं हुआ है कैसे बिल पेमेंट हो चुका होगा ना तो इसलिए मैं देखा गया तो काम अभी शुरू हो रहा है ताकि मेरा पीछे में अभी काम करने लोग है तो पेमेंट होने का बाद अगर काम अभी शुरू होने से कैसे क्वालिटी काम करेगा तो क्वालिटी काम नहीं करेगा ऐसे पेमेंट ले चुका है तो अभी काम शुरू होने से कैसे ये अच्छा क्वालिटी का ये ब्रिज बनाएगा और ये सिर्फ ये उबुवांगो का नहीं है ये इंटर वेस्ट सियांग का है साहब सब यहाँ से आना जाना करता है आपका ये लपारादा भी है वेस्ट सियांग है सियोमी है लोअर सियांग है हर जगह का यहाँ आना जाना करता है इसलिए मैं यहाँ आके अपना तरफ से मीडिया की तरफ से पेश कर रहा हूँ कि जितना भी वेस्ट सियांग का इंटर जितना भी पब्लिक हो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ये मुझे सपोर्ट कर दीजिए कि मैं डिपार्टमेंट को यही कहना चाहता है कि अगर आप काम कंप्लीट नहीं होने से पहले पेमेंट हो चुका है चुनने में हमको ऐसे लग रहा है तो अगर ऐसे पेमेंट होने का बाद कैसे क्वालिटी काम वर्क करेगा मैं यही अपील कर रहा हूँ कि जो भी ये काम वो कर रहा है ये जो कॉन्ट्रेक्टर है कैसे करके आप बिल लिया होगा या कैसे करके पेमेंट कर दिया होगा डिपार्टमेंट मैं इसी को जानने के लिए मैं यहाँ ग्राउंड पे आया हूँ। अच्छा सर ये तो कहाँ तक सच है हम पता कर लेगा अगर काम करने से पहले सच में डिपार्टमेंट जो है कॉन्ट्रेक्टर को पेमेंट कर चुका है तो आपका उबुवांगो स्टूडेंट यूनियन का ओर से क्या स्टेप लिया जाएगा ये मेरा उबुवांगो स्टूडेंट यूनियन की ओर से मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर पेमेंट लेस काम करने से पहले पेमेंट ले लिया तो अच्छा क्वालिटी काम नहीं करेगा इसीलिए मैं जितना भी हो सके अच्छा और आगे तक मैं ये छानबीन करने के लिए रेडी हूँ और मैं डिपार्टमेंट को यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग भी कोऑपरेट कीजिए कैसे करके आप लोग ये ऐसे काम कर रहा है मैं यही बोलना चाहता हूँ। भाई आपका नाम क्या है? मंटू दास। हाँ मंटू दास, थोड़ा जोर से बोलिए। मंटू दास। अच्छा वो जो निकते कदम ये में जो हु ब्रिज है ना स्टील ब्रिज ना उसका काम आप कर रहे हैं क्या? हाँ आप कर रहे हैं ना कॉन्ट्रेक्टर आप है कौन सा फर्म से कर रहे हैं आप? मारपी स्टील फैब्रिकेशन। मारपी स्टील फैब्रिकेशन। अच्छा तो हम आप वहाँ का लोकल आदमी लोग से मिला है और हमको कंप्लेन आया है कि मतलब ऐसे सुनने में आया है काम तो खत्म हुआ नहीं है क्योंकि हम वहाँ जाके पी डब्ल्यू डी का मैच से भी मिला है तो आज दो दिन हो रहा है काम चल रहा है
मेंटेनेंस का ना, लेकिन हमने सुना है आप पेमेंट पूरा ले लिया, इसमें आपका क्या कहना है? नहीं पूरा मतलब पेमेंट मतलब 38,50,000 का है, तो कितना का है? 38,50,000 का मतलब मेंटेनेंस का, मेंटेनेंस का है टोटल तो है और दूसरा है, लेकिन 45 का ऐसे कुछ सुनते हैं, लेकिन 38,50,000 काटा है वो लोग, लेकिन हमको दिया अभी 31,37,000 का दिया है। आप क्या सुना है मतलब? सुना है मतलब आप तो काम कर रहे थे ना, काम को आप कर रहे थे, तो आपको तो कितना का काम है वो तो मालूम होना है। नहीं मालूम होने से भी मतलब अभी जैसे अभी कुछ कुछ दूसरा ब्रिज का भी काम था, तो वो नित्य का ब्रिज का, वो कदम का वो जो हु ब्रिज स्टील ब्रिज का ना, मेंटेनेंस के लिए कितना पंदा है? तो पूरा सात तो बोलता 45 ही होगा बोलते है। तो आप ऐसे नाम से कर रहे हैं, करने वाला कोई और है? नहीं हम ही, असली कॉन्ट्रेक्टर कौन है? हम ही है। तो आपको तो मालूम होना चाहिए ना कितना से मेंटेनेंस कर रहा है। नहीं हमको वो लोग बोला था 40-45 कौन वो लोग? ये सब लोग 45 लाख का काम होगा। वही तो आप तो सर भैया जी काम को कितना का वैल्यू है ना, कितना का मेंटेनेंस, कितना फंड आया है उसको जान के तो करेगा ना, है कि नहीं? 40-45 का होगा। एग्जैक्ट मालूम नहीं आपको? नहीं पूरा किसे मालूम नहीं हो कि किसे आप काम कर रहे हैं? सर ऐसे तो पूरा कोई ऐसे तो पूरा अंदर का बात तो नहीं पूछ सकते, मतलब क्या है नहीं है। सारे लोग काम देते हैं, हम कर देते हैं, अच्छा काम करते हैं बोल के कर देते हैं हम। तो आप अभी जो हम सवाल पूछा है क्या ये सही है? आप काम खत्म ही नहीं, शुरू ही नहीं हुआ है लेकिन अब पेमेंट ले लिया? नहीं खत्म तो होना था, इस मिसेज के लिए थोड़ा मुश्किल पड़ गया। खत्म होना था तो लेकिन आदमी बैठाया भी था काम शुरू करेगा बोल के, लेकिन फिर मिसेज को लेके डिगोई चला गया और कुछ माल गलती हो गया था, तो यहाँ पर होल्डिंग नहीं होगा बोल के यही सब क्या किया, माल को नीचे भेज दिया 10-20 माल। वो आया आज एक हफ्ता पहले माल 10-20 को गिराया, होल्डिंग मी गोल्डिंग होता है, वो मी गोल्डिंग को निकला हमको नीचे भेजने पड़ा। सही है, कुछ प्रॉब्लम से काम शुरू नहीं हुआ है, तो कल से आज और कल दो दिन से काम शुरू हो गया ना, परसों से ना, परसों से शुरू हो गया, तो शुरू हो गया। तो भैया ये शुरू होते ही आप पूरा पेमेंट ले लिया? पूरा तो नहीं, वहाँ का लोकल आदमी लोग का कहना ये है नहीं पूरा तो नहीं लिया अभी, मतलब जैसे 38 कुछ लोग बिल बनाए बोला है, मतलब यही साल लोग 38 लाख कुछ होगा, 38 लाख 50,000 वैसे होगा, मतलब 50-80 भी हो सकते हैं, मतलब इसके अंदर ऐसे हो। आप किसका नाम से बनाते हैं? चेक कौन लेता है? चेक हम लिया, लेकिन चेक का तो वैल्यू, चेक का हमारे पास है तो, जो लिया वाला। आप झूठ मत बोलिए भैया। नहीं झूठ नहीं बोलेगा, झूठ नहीं। तो आप बिल कितना दूर हुआ अभी तक? अभी हम लिया 21,33,000। तो अब बोल रहे 38 का ड्रॉ है, तो बाकी पैसा कौन ले गया? ड्रॉ नहीं हुआ, मतलब काट के वो लोग रखेगा बोले, काट के रखा है, काट के रखा है। तो आप काम किया ही नहीं लेकिन 20 लाख का बिल मिल गया? नहीं माल के लिए दिया, हम मिसेज का मुश्किल है बोल के सालों को बोला है। और एक बात था सर, ये नित्य का जो ब्रिज था ना सर, उसको पैसे भी बाकी था, तो इसीलिए सालों लोग थोड़ा हेल्प कर दिया, जो होगा मोटू खोल लो बोल के, यहाँ भी काम किया पैसा नहीं मिला था। वो आज तो हम देखा है काम थोड़ा शुरू हो रहा है। नहीं वो वाला नहीं, आगे वाला नित्य वाला नहीं, एक काम में बोलिए आप ना, तो कब तक खत्म होगा अभी का हो ब्रिज वाला? हाँ सर 3 महीने का टाइम लिया हम, कम से कम तो 2 महीने का अंदर हम दे देगा, मतलब बारिश का टाइम है तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए 3 महीने का टाइम लिया हम, 2 महीने में तो दे देगा जैसे भी। एक्चुअली ये 1 ईयर से चल रहा था वो मेंटेनेंस करना है बोल के, तो उसके हिसाब में हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमिटी बैठा है, जैसे 9 जून को हुआ था डीसी का चेयरमैन में, तो उसी में ये पावर प्रेजेंटेशन में दिखाया गया कि डिपार्टमेंट ऑफ PWD आलो डिवीजन, तो उसने क्लियरली ये दिखाया 100% वर्क अचीवमेंट है और पेमेंट फाइनल है। तो मैं चेयरमैन सर का साथ में हमने उसके डिपार्टमेंट को हमने क्वेश्चन किया, तो वहाँ तक तो रिसेंटली हम विजिट किया, तो वहाँ तो कुछ भी एक्टिविटी किया नहीं, तो यहाँ तो 100% अचीवमेंट दिखाया है, तो यह सरासर मुझे गलत लग रहा है। नियत साफ होकर बात करने के लिए हमने DLMC मीटिंग में हमने पॉइंट रेज किया, तो उसने डिपार्टमेंट ने कहा कॉन्ट्रैक्टर बीमार है वैसे बताया गया है, लेकिन बात ऐसे नहीं रहा है। पैक जो है मार्च में बिल बना चुका है, कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर चुका है, इसलिए इन लोगों ने 100% वर्क अचीवमेंट दिखाया गया है। अभी जो है काम नहीं करके, वो इतना इमरजेंसी ब्रिज था, तो इसको काम नहीं करके पेमेंट दिया क्यों?
उसका बावजूद भी इन लोग ट्रांसपेरेंसी रखना नहीं चाहता है। हमने इसका डिपार्टमेंट का अथॉरिटी से इसे और इसे हम संपर्क करने का कोशिश किया। मैं काफ़ी महीना से इनको जल्दी करना है बोल के लगा रहा हूँ। इसका साथ ही साथ अभी कदम सर्कल टू बामती जंक्शन का निश्चित स्कीम जो है 20 करोड़ का अभी सेंक्शन हो चुका है, इसको NIT फ्लोट करने जा रहा है। इसका रिगार्डिंग में भी हमने डिपार्टमेंट से DPR को शेयर करने के लिए मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, लेकिन आज तक उन लोग शेयर नहीं दे रहा है। तो कुछ कुछ अजीब सा लगता है और कुछ ऐसा भी लग रहा है कि एग्जीक्यूटिंग एजेंसी एज ए हम पब्लिक लीडर वहाँ का कॉन्स्टिट्यूंसी का मेरे रिप्रेजेंटेटिव होने का नाते मैं जानना चाहता है उसको। मैं चाहता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी रखे डिपार्टमेंट और हम लोग ट्रांसपेरेंसी का साथ डेवलपमेंट को आगे ले जाए। अभी रिसेंटली March 9, 2022 गवर्नमेंट ने मेरा सर्कल हेडक्वार्टर का स्टाफ क्वार्टर और CO ऑफिसर्स का क्वार्टर और बाउंड्री फेंसिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दिया गया है। बट इनको भी DLMC मीटिंग में हाईलाइट नहीं किया गया है। तो इसको भी मैं वहाँ में DC का शेयर में हमने सवाल किया, आप इनको क्यों आगे लेके नहीं आ रहा है? तो उसने कहा कि हम लोग जल्दी कर लेगा। कुछ कुछ को ऐसा लग रहा है कि क्यों हाइड करते जा रहा है, मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी को क्यों स्पीड टेकअप क्यों नहीं करता है। इसलिए आपका चैनल का माध्यम से मैं डिपार्टमेंट को और मैं एंटर मेरा पब्लिक को, आप लोग चुपचाप घर में नहीं बैठे, जागिए, डेवलपमेंट का पीछे क्या हो रहा है मेरा ऊपर सिर्फ छोड़ना नहीं है। आप सब हमसे सवाल करते रहता है, आप लोग डिपार्टमेंट को सवाल कीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन में जाइए, अगर जब जरूरी पड़ेगा तो हम भी जरूर हाजिर होंगे। और आगे मैं इन लोग से रिक्वेस्ट है आपसे, आपका चैनल का माध्यम से डिपार्टमेंट को जरूर पूछिए इसका कारण क्या है, इस तरह से डेवलपमेंट को तेज़ी लाने का जगह में वो डिले 33 कर रहे हैं। ये इन लोग से काफ़ी मैं डिस्कस कर भी चुका हूँ डिपार्टमेंट को और DC का सामने में DLC मीटिंग में दोबारा मैं इनको पेश कर चुका हूँ। और रिसेंटली 9 जून से लेकर के अभी तक मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, इसलिए अभी 2 दिन से अगर काम चल रहा है, अगर डिपार्टमेंट का जो इंचार्ज जो है काम नहीं करने का बावजूद किसे करके फाइनल बिल बना के MB में एंट्री किया, हम अजीब सा लग रहा है। ये एक तो अगर हम लोग बार बार DLMC मीटिंग में रेज नहीं होता शायद ये आगे नहीं जाता रहा, मुझे आज देखने को यही को मिल रहा है। इसलिए मैं अपना एरिया का पब्लिक से और ऑफिसर से भी ये रिक्वेस्ट है, आप सब इसको जानने का ज़रूर कोशिश कीजिए, मेरा ऊपर सिर्फ चौड़ के नहीं रखना है। ये सब ब्रिज जो है अफ्तरल सभी का वेस्ट सियांग वासियों का सिर्फ नहीं है, CMB का भी है, बसर तो 27 लिरमोबा कनेक्टेड रोड है का। इसलिए मैं बहुत दुखी का साथ आपका माध्यम से पब्लिक को मैसेज देना पड़ रहा हूँ। इसका साथ ही साथ डिपार्टमेंट को भी ज़रूर क्वेश्चन कीजिए इसको, मैं अगर डिपार्टमेंट दूसरा डेवलपमेंट को भी इन लोग डिले हमेशा 33 रहा है, मैं कुछ महीना से ऑब्जर्व कर रहा हूँ उसका इंटरेस्ट क्यों नहीं रह रहा है मेरा सर्कल को। गवर्नमेंट देना चाहता है लेकिन यहाँ से प्रोसेसिंग में इन लोग
इंटेंशनली जैसा मुझे देखने को मिलता है, इसलिए आप जरूर, आपको हम जरूर रिक्वेस्ट है डिपार्टमेंट को भी इस तरह से ना करने दे, हम लोग ट्रांसपेरेंसी का साथ डेवलपमेंट को आगे ले जाए। थैंक यू।